सीधे सीधे हिंदू विरोधी हैं, हिंदू समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसे जजमेंट्स कोर्ट के जिन्होंने गलत जजमेंट्स दिए गए हैं, सबसे बड़ा जिम्मेदार मुझे ऐसा लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक आला कानून है। तुष्टिकरण की राजनीति का सबसे जीता जागता उदाहरण है भोपाल की भोजशाला। तमाम धार्मिक हिंदू धार्मिक सनातन संपत्ति के लिए केस लड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जी रायपुर पहुंचे व्याख्यान के लिए। व्याख्यान का केंद्र क्या रहेगा पहले बताएं। देखिए, व्याख्यान का केंद्र वो कानून रहेंगे जो कानून सीधे सीधे हिंदू विरोधी हैं, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे वो वफ एक्ट हो, चाहे वो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड प्रीएम्बल में जोड़ना हो, चाहे वो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 हो, चाहे वो अलग अलग रूप में जहाँ पे हिंदू समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसे जजमेंट्स कोर्ट के जिन्होंने गलत जजमेंट्स दिए गए हैं, उन सारे विषयों पे बात होगी। और जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी सुप्रीम कोर्ट ने प्रपाउंड की थी, कैसे वो गलत है, कैसे वो एक लीगली टेनेबल डॉक्ट्रिन नहीं है, इन सारे विषयों पे हम अपनी बात रखेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही अगर मंदिरों के लिए लड़ना पड़ रहा है तो इसका जिम्मेदार आप बतौर अधिवक्ता कैसे किसे मानते हैं? समाज है कि राजनीतिक पार्टी है, कौन है इसका जिम्मेदार कि हमें अपनी ही संपत्ति के लिए? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मुझे ऐसा लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक ऐसा काला कानून है जिसने हिंदू समाज को रोक दिया कि आप ऐसी न्यायालयीन लड़ाई नहीं लड़ सकते और इसके लिए रेस्टोरेशन के लिए न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। तो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 1991 में ये एक्ट लेके आई थी जिसने एक लीगल मैंडेट दिया कि हिंदू समाज के लोग इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। राजनीतिक पार्टी ही अल्टीमेटली जिम्मेदार है। तुष्टिकरण के लिए क्या लाया गया? तुष्टिकरण की राजनीति का सबसे जीता जागता उदाहरण है और ये एक्ट आज भी एग्जिस्ट कर रहा है स्टैट्यूट बुक्स में, तो इस एक्ट को खत्म होना चाहिए। ये हमारी प्राइमरी मांग रहेगी और कोशिश यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में जो तथ्य हैं वो मैं लोगों के सामने रखूं। आप और आपके पिताजी 100-100 केस लड़ रहे हैं, तो आप ये स्वयं से होकर लड़ रहे हैं कि लोग आपको अप्रोच भी करते हैं? इसके पीछे लोग जानना चाहते हैं क्या इसके पीछे डिवाइन शक्ति है, मुझे ऐसा लगता है। जो मेरे पिताजी की 47 साल की 47 ईयर्स की लीगल करियर रहा है, वो लीगल करियर सिर्फ और सिर्फ तपस्या से भरा रहा है, तो वो तपस्या का ही आज कारण है कि लोगों में एक जन जागृति हुई है और लोगों में इन इश्यूज के बारे में कंसर्न रेज हुआ है। बजरंग दल का नारा है कि मतलब राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हिंदू, हर हिंदू जानना चाहते हैं कि मथुरा काशी की अभी स्थिति लीगल तौर पे क्या है, कितने चांसेस हैं? काफ़ी आगे हम इस केस में बढ़ चुके हैं। अगर ज्ञान व्यापी की बात की जाए तो ASI का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, 80%, 20% काम बचा हुआ है, वो आगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद केस फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे है, स्टेज पे आ जाएगा। साथ ही साथ मथुरा में जो 7-11 की स्टेज अग्नि परीक्षा है वो हम पार कर चुके हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वफ एक्ट से केस बाधित नहीं है, ऐसा बहुत ही अच्छा जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट सुना चुकी है, तो केस अपनी प्रगति पे आगे बढ़ा। ताजमहल और कुतुब मीनार के लिए क्या उम्मीद? इसके भी केसेस चल रहे हैं न्यायालय में और बहुत जल्दी इन सारे विषय का जो सच है, जो झूठी हिस्ट्री पढ़ाई गई है, वो भी सबके सामने मंदिर बन सकते। अच्छा, ये आखिरी सवाल, वक्फ बोर्ड की तरह क्या सनातन बोर्ड की जरूरत है? कितना अधिकार बनता है हिंदुओं का वक्फ बोर्ड जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए है? क्या हिंदुओं का अधिकार है कि नहीं कानूनन? क्या नहीं, बिल्कुल कानूनन देखिए पार्लियामेंट का अधिकार है कि पार्लियामेंट हिंदू बोर्ड बनाने के लिए जैसे वफ एक्ट 1995 पारित किया गया था, वैसे हिंदू बोर्ड के लिए पार्लियामेंट एक्ट पारित कर सकती है। पर अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वफ अमेंडमेंट बिल आया है उस पर हमारा फोकस है कि उसमें क्या चीज़ें रह गई हैं, कितना अच्छा ये बिल है और क्या छोटी छोटी चीज़ें रह गई, वो भी हम पॉइंट आउट करेंगे। तो आपने सुना, विष्णु शंकर जैन है, अपने पिता के साथ 100 से ज़्यादा केसेस लड़ रहे हैं हिंदू मंदिरों के लिए, सनातन की संपत्ति के लिए। और कल इस पर रायपुर में आपको बता दें इनका व्याख्यान होने वाला है, तमाम चीज़ों कानूनों को लेकर इस पर जानकारी मिलेगी। तो जिस प्रकार से भोजशाला को लेकर दावा कर रहे हैं, ज्ञानव्यापी को लेकर दावा कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि आगे जाकर ताजमहल और कुतुब मीनार भी सनातन धर्म को वापस मिल सकता है। देखते हैं, कोर्ट की कार्रवाई लंबी चलती है। राम मंदिर भी हिंदुओं को 100 साल के बाद मिला था। हिंदू धर्म की संपत्तियों के लिए 100 से ज़्यादा केसेस लड़ रहे विष्णु शंकर जैन का व्याख्यान है रायपुर में। तो अगर आप उस कानूनी पेचीदगी को समझना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कानून हैं जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनकी संपत्तियों से, उनके अधिकार से वंचित करते हैं, तो आप इनका व्याख्यान सुन सकते हैं और IBC 24 पर इसका पूरा कवरेज भी देख सकते हैं। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।